उत्तराखंड में नौकरी की मांग को लेकर युवाओं के विरुद्ध प्रदर्शन के बीच रविवार को एक बार फिर से प्रदेश भर में पटवारी भर्ती पुनः परीक्षा आयोजित की गई और यह परीक्षा प्रदेश के कुल 498 परीक्षा केंद्रों पर हुई, जिसमें 1.5 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। पिछली बार हुई गड़बड़ियों को देखते हुए हर बात पर बारीकी से नजर रखी जा रही और हमारी टीम ने परीक्षार्थियों से बात की तो परीक्षार्थियों की अलग अलग राय सामने आई है। किसी ने सरकार के पक्ष में अपनी बात कही तो किसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए। फिलहाल सरकार ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा संपन्न करा दी है। आइए तो आपको सुनवाते हैं क्या कुछ परीक्षार्थी ने कहा। लोक सेवा आयोग ने अपना एक जो लिस्ट जारी की है पेपरों की, उस हिसाब से अगर पेपर होता तो बहुत सही रहता, लेकिन हाँ जो नकल हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उस वजह से क्या पता जो पेपर है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। बाकी मेरा आयोग से या गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो हम युवाओं का साथ देते हुए और पेपरों को अगर टाइम पे करवाते रहेंगे तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा। लेट आया है ये, और अब अगर लेट आया है तो इसकी खानापूर्ति करनी पड़ेगी। जो पुराने टाइम में जो इन्होंने लीक में जो सम्मिलित थे उन्हें मतलब उन्हें सजा मिले अच्छी तरह से, आगे कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें। जेल तो पहुंचा दिया है उनका, जमानत भी काफी को मिल चुकी है, वो दुखद है। मतलब एक ना पहले नकल विरोधी कानून बनाया ना, इसके बारे में कुछ बताया गया क्या है? इस कानून के बारे में सीधा कानून बना देना कोई एक सलूशन नहीं है। पहले जनता को बताओ तो सही कानून क्या है। आपने कानून बना दिया बिना जनता की सहमति के, बिना अपने मतलब एक तानाशाही तरीके से कानून को बना दिया जा रहा है। मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट जो यहाँ मौजूद है इस समय आ रखे पेपर देने के लिए, उनको इस बारे में पता भी नहीं होगा नकल विरोधी कानून क्या चीज़ है।